नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस पिक्चर और मैं हूं आपके साथ प्रीति। गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस साल गणेश उत्सव 31 अगस्त 2022 से शुरू हो रहा है। इस साल गणपति का आगमन बहुत ही शुभ योग में हो रहा है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश स्थापना की जाती है। वहीं 10 दिनों के बाद गणेश जी वापस अपने लोक चले जाते हैं। गणेश विसर्जन के साथ गणेश उत्सव पर्व भी संपन्न होता है। वहीं वास्तुशास्त्र में कुछ खास चीज़ों से गणेश जी की मूर्ति को सजाने पर विशेष फल मिलते हैं, आपकी इच्छा पूरी होती है। वे चीज़ें बहुत ही लाभदायक मानी जाती हैं। आम के पत्ते, घर के प्रवेश द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। बाहर से आने वाली जब भी इन पत्तियों को हवा स्पर्श कर घर में घुसती है तो सकारात्मक कणों को भी अपने साथ लाती है। वहीं गणेश जी की मूर्ति के आसपास आम के पत्ते रखने से आय के साधनों में कभी कमी नहीं आती, साथ ही घर में हमेशा धन धान्य रहता है। गुड़हल के फूल, गुड़हल के फूल घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वहीं श्री गणेश जी की मूर्ति को गुड़हल के फूलों से सजाने पर बिजनेस में तरक्की होती है, साथ ही नए अवसर प्राप्त होते हैं। नीम की पत्तियों को बहुत ही शुभ माना जाता है, साथ ही नीम की लकड़ियाँ से हवन करने से शनिदेव का क्रोध कम होता है और वो प्रसन्न होते हैं और जातकों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। नीम के पत्तों से सजाने पर घर में निगेटिविटी नष्ट होती है और सदस्यों में आपसी प्यार और विश्वास बढ़ता है।